अब खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। जैतपुर पुलिस और स्वाट की टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी है उनके, और पुलिस और स्क्वाड टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान दो ट्रकों की तलाशी ली, जिसमें 50 लाख रुपए की कीमत के 10,400 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। साथ में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का लगातार अभियान जारी था। अभियान के जारी के तहत दो ट्रकों से 50 लाख की कीमत का गांजा वहां से बरामद किया गया है। पुलिस ने इसके साथ में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जैतपुर पुलिस और स्क्वाड टीम ने मिलकर के इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तस्वीर आपके सामने है, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैतपुर पुलिस और स्क्वाड टीम की बड़ी कार्रवाई है। लगातार अभियान चलाया जा रहा था पुलिस की ओर से, जिसमें पुलिस ने दो ट्रकों से 50 लाख की अवैध गांजा है उन दो ट्रकों से बरामद किया है। क्योंकि लगातार पुलिस अपना अभियान चलाई जा रही थी, हर तरीके से अपना कारोबार, जो कहे जाते हैं कि पुलिस अपनी कार्यशैली लगातार पैनी कर रही थी, उस पैनी कार्यशैली का ही परिणाम है कि पुलिस ने दो ट्रकों से 50 लाख की कीमत का अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इसके साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीर आपके सामने है कि कौन वो अपराधी थे, और दो ट्रक आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ब्रजेश। ब्रजेश, बताएं कि पुलिस को इस मामले की जानकारी कैसे लगी, तो पुलिस ने किस तरीके से इन पर अपना पंजा कसा? पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, साथ में स्क्वाड टीम और जैतपुर पुलिस की यह कार्रवाई है। पुलिस की लगातार पैनी कार्रवाई लगातार जारी थी। पुलिस ने अपनी पैनी कार्रवाई के जरिए इस घटना को अंजाम होने से रोका है। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस अपना कार्य नहीं करती, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभियान चलाकर के जो कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है, जिसमें दो ट्रकों से 50 लाख की कीमत का अवैध गांजा बरामद किया गया है, और साथ में पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तस्वीर आपके सामने है कि 3 आरोपी और 2 ट्रकों से उस गांजे को बरामद किया गया है। पुलिस की कार्यशैली पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अपना काम बेहतरीन और बेहतरीन अंदाज में किया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।